हेलो एवरीवन, आई एम गीतिका स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर डेड ट्रैप बाय सेल्मा लेजरलो. बिफोर स्टार्टिंग आर चैप्टर वी हैव टू डिस्कस सम करेक्टर्स, सम इम्पोर्टेंट करेक्टर्स विच आर अ पेडलर विद डेड ट्रैप्स, एन ओल्ड मैन, अ क्रोफ्टर, डेड ट्रैप्स की चूहे के जो पिंजरे बनाने वाला है वो, ठीक है, जो पैडलर पेडिस्ट्रियन होता है जो पैदल घूमता रहता है इधर उधर, ओल्ड मैन जो कि पशुपालन का काम करता है, क्रॉफ्टर, मास्टर स्मिथ इन रैम्स जो आयरन मिल इन स्वीडन, हेल्पर इन स्मिल, ब्लैक स्मिथ, आयरन मिल ऑनर, एंड एडला विलमेंसन जो कि डॉटर है आयरन मिल ऑनर की, और आयरन मिल का नाम है रैम्स जो आयरन मिल. अब जो ये रेड ट्रैप सेलर है, ये है बड़े ही पावर्टी में, इसकी जो लाइफ है बीती है उसका कोई भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, उसके चीक्स धंसे हुए हैं अंदर, भूख उसकी जो आंखों में चमकती है भूख, ठीक है, बैगिंग का काम करता है और छोटी मोटी चोरी चकारी का भी काम करता है, और इसी तरह से जो रेड ट्रैप्स हैं वो बनाता है और बेचता है. तो स्टोरी क्या है, यूनिवर्सल थीम को फॉलो करती है कि जो असेंशियल गुडनेस है मैन की उसको जगाया जा सकता है, अवेक किया जा सकता है, उसकी कंसाइंस को जगाया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग से और लव से. और स्टोरी इसी बिलीफ के अराउंड घूमती है कि जो सारा जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और सारी जो टेम्पटेशंस हैं वो भी इसी के लिए होती हैं. तो डेट ट्रैप इज स्टोरी अबाउट ए डेट ट्रैप सेलर हु लीड्स ए वेरी पुअर लाइफ एज हिज अर्निंग्स आर वेरी लो. कि उसकी अर्निंग्स हैं जो बहुत लो थी, उसका बिजनेस अच्छा नहीं था, डेट ट्रैप बनाने वाला प्रॉफिटेबल नहीं था, तो उसको बैगिंग में और छोटी मोटी चोरी चकारी का काम करने में कोई झिझक नहीं होती थी क्योंकि उसका गुजारा नहीं चलता था. उसकी लाइफ जो है बड़ी ही सैड थी, वो बहुत ही ज़्यादा अकेला था संसार में, और अपने घूमने के दौरान वो थॉट ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोचता था. एक दिन वो सोचने लग गया कि सारा जो वर्ल्ड है एक रेड ट्रैप ही है, कुछ लोग ऑलरेडी इसमें फंसे हुए हैं और कुछ फंस जाते हैं. इसी तरह से जो वेरियस कंफर्ट्स हैं लाइफ के वो भी एक रेड ट्रैप के ही मीडियम हैं. तो इसी तरह से अब ये जो वेरियस टाइप ऑफ मिजरीज हैं ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, इसी रेड ट्रैप का कॉन्सिक्वेंस है. तो एक डार्क इवनिंग को जो पैडलर है वो एक लिटिल कॉटेज में, जो रोड साइड के लिटिल कॉटेज में क्रॉफ्टर का घर है वहाँ चला जाता है. उसको जैसे रहने के लिए उसके पास घर नहीं है तो उसको शेल्टर चाहिए, तो एक ओल्ड क्रॉफ्टर उसको अपने घर में जगह दे देता है. लेकिन अगले दिन वो क्या करता है, वो उसकी मनी चुरा लेता है, जो मनी उसने अर्न की थी अपने काऊ का मिल्क बेचकर. तो अपने आप को बचाने के लिए पैडलर ऐसा रास्ता चूज़ करता है जो फॉरेस्ट को जाता है, फॉरेस्ट से होकर निकलता है जो उसको बचा सकता है, पर जल्दी से ही वो ट्रैप हो जाता है, वो फंस जाता है फॉरेस्ट के डेंस फॉरेस्ट में और उसको रास्ता नहीं मिलता. इसके बाद अब वो फाइंड्स अ वे टू फोर्ज. अब वहाँ पर क्या है, तो वह अब उसके माइंड में फिर ये आता है कि उसके जो पॉकेट में हैं वो 30 crore notes हैं जो उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए थे, और उसके बारे में सोचने लग जाता है और कहता था कि उस मैं तो खुद ही संसार को बोलता था कि ये रेड ट्रैप है, लेकिन मैं ही आज इस ट्रैप में फंस गया क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट में फंस चुका था. तो उसके बाद क्या होता है कि अब दिसंबर इवनिंग का टाइम है, बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है. अब वो बहुत डर रहा था. सडनली ही हियर द हार्ड रेगुलर थम्पिंग ऑफ ए हैमर. ठीक है, उसको हथौड़ा मारने की आवाज़ आती है और वो खड़ा होता है और उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ से साउंड आ रही है. तो वो कहाँ पहुँच जाता है अब, आयरन मस्ट ही फाइंड्स ए वे टू फॉर्ज. ठीक है, वो फॉर्ज में एक भट्टी में, एक आयरन मिल की भट्टी में पहुँच जाता है और वहाँ पर शेल्टर लेता है. और कुछ उसके साथ कुछ अनयूजुअल हैपन होता है, कैसे कि जो, तो वही ये राम्स जो आयरन वर्क्स की जो फोर्जरी है इसमें चला जाता है और जो मास्टर स्मिथ है वो उसको वहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता है और अपने आप को सर्दी में गर्म करने की परमिशन दे देता है. तो उसके जो वेट रैग्स हैं, जो ये जो उसके कपड़े हैं वो बुरी तरह गीले हो चुके हैं और उसकी लंबी दाढ़ी है, पर अचानक से आयरन मास्टर आ जाता है. आयरन मास्टर कौन, जो आयरन मिल का मालिक है, और वो इंस्पेक्शन के लिए अचानक से सडनली राउंड पे. तो वो स्ट्रेंजर को देखता है और उसको लगता है कि ये उसका क्योंकि वो आर्मी में पहले काम करता था तो उसको लगता है ये उसका रेजिमेंटल कोई
परिचित है, तो इसी तरह से कैप्टन वोल स्टेले के नाम से उसको वो बुलाता है और उसको गलती लग जाती है कि उसका ओल्ड फ्रेंड है और वो उसको अपने घर पे इनवाइट करता है। पहले तो वो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो एम्बेरस फील करता है और उसको लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। लेकिन फिर आयरन मास्टर वहाँ से चला जाता है। तो एक घंटा बीत जाता है, अब फिर से फॉर्जरी के डोर पर जो भट्टी के सामने आयरन मिल के सामने एक कैरेज आता है, इसमें आयरन मास्टर की बेटी होती है जिसको आयरन मास्टर ने भेजा है उसको कन्विंस करने के लिए, उसको परसुएड करने के लिए कि उसको अपने घर पर बुलाओ। तो यंग गर्ल उसको कन्विंस करती है, बड़ी सॉफ्टली तरीके से उससे बोलती है। बहुत ही सुंदर थी वो और बहुत ही हम्बल थी, और वो पेडलर्स का जो पेडलर है, जो वो पर्सन है, उसका कॉन्फिडेंस विन कर लेती है, उसका कॉन्फिडेंस गेन कर लेती है, और वो चाहती है कि वो उसको बोलती है कि क्रिसमस की शाम वो उसके घर पर आए। तो वो उसको एश्योर करता है कि वो ज़रूर आएगा जैसा वो चाहती है। तो अब पेडलर फिर यंग गर्ल को जाने के लिए बोलता है, और वो जो उसके लिए फर कोट लेकर आती है और वो पहन लेता है, कौन, पेडलर। तो यंग गर्ल बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि शुक्र है किसी हंगरी पुअर मैन को वो फीड करेगी क्रिसमस ईव पर। तो पेडलर उसी नाइट जो इवनिंग है क्रिसमस की वहाँ आता है, ठीक है, अपने आप को अच्छे से वॉश करता है, अपने उसके जो बाल हैं वो काटता है, शेव करता है, और एक वेल ड्रेस में जो आयरन मास्टर ने क्लोथ दिए थे उसको वो पहनता है, एक वेल ड्रेस्ड पर्सन बन जाता है वो। अब जब आयरन मास्टर उसको देखता है ना ब्रॉड डे लाइट में, तो उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है। वो कहता है कि वो तो उसका कोई परिचित नहीं है, क्योंकि वो तो पहले उसको लगा पहले उसकी शेप वगैरह नहीं बनी हुई थी, तो इस तरह से उसको भूल लग गई थी। तो अब वो कहता है कि उसको जाने के लिए कह देता है कि अपने घर से एकदम से जाओ, पर जो यंग गर्ल है उस पेडलर के बिहाफ पे उससे अपने फादर से माफ़ी मांगती है, और वो कहते हैं कि ये पेडलर का फॉल्ट नहीं है, ये एक मिस्टेक है, और वो अब इस जो क्रिसमस ईव की जॉय को लॉस नहीं करना चाहती, और अपने डॉटर के सेंटीमेंट को देखते हुए, फीलिंग्स को देखते हुए उसके फादर उसको उस शाम को वहाँ रुकने के लिए बोल देते हैं। अब जब आयरन मास्टर नेक्स्ट डे जब आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जाते हैं चर्च पर, तो पेडलर अभी तक सोया हुआ होता है, और जो वो सोच भी नहीं सकते, वो उन्होंने सोचा ही नहीं कि उसको डिस्टर्ब करें। तो चर्च में वो एक मैन के बारे में सोचते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये एक मैन एक थीफ है, और हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम ओल्ड क्रॉफ्टर, क्योंकि उनको वहीं चर्च में ही पता चलता है। वो सुनते हैं कि एक आदमी जो कि रेड ट्रैप बेचता है, उन्होंने पुअर ओल्ड मैन से 30 क्रोनोर्स छीन ली हैं, उसके चुरा लिए हैं, और ऐसा सुनने पर यंग गर्ल बहुत ज़्यादा अपसेट फील करती है। तो जब वो घर पहुंचते हैं और उनको लगता है कि पेडलर तो जा चुका होगा, और वो सोचते होंगे कि सब कुछ भी चुराया जा चुका होगा, लेकिन इसकी बजाय इंस्टीड ऑफ स्टीलिंग, यहाँ पर अब ट्विस्ट आता है एक, कि इंस्टीड ऑफ स्टीलिंग जो पेडलर है वो गिफ्ट रख के जाता है आयरन मास्टर की डॉटर के लिए एक रेड ट्रैप, और वो उस एक थैंक्स लेटर भी लिखता है, और जो मनी चुराई उसके रेड ट्रैप के अंदर होती है। पेडलर थैंक्स करता है एडला का उसकी काइंडनेस और रिक्वेस्ट, जो कि रिटर्न है उसकी काइंडनेस रिक्वेस्ट पोलाइटनेस हम्बलनेस रिटर्न है एज ए मनी के रूप में जो उसने क्रॉफ्टर से चुराई थी, वहाँ उसमें पैसे रखे होते हैं। दिस स्टोरी गिव्स अस द मैसेज दैट गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम विद योर ओन गुड डीड्स, कि हमारे अच्छे जो वर्क्स हैं उनके कारण हम किसी भी बुरे व्यक्ति में, बैड इविल में भी हम कंसाइंस को, उसकी कंसाइंस को गुडनेस में से भर सकते हैं। सो इन दिस वे द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन थॉट टू बी ए कैप्टन, ठीक है। और इसी तरह से उसकी जो एडला है, मीन्स की जो आयरन मास्टर की जो गर्ल है, जो यंग गर्ल है, वो जो ऐसे फील हो जाती है, और जब वो ये गिफ्ट उसे मिलता है तो वो मतलब बहुत ही अच्छा फील करती है, क्योंकि वो कहते हैं
क्योंकि वो कहती है कि किसी पुअर को मैंने फीड करा, किसी पुअर की कंसाइंस को, किसी बैड पर्सन की कंसाइंस को मैंने अबे करती है।